1 upon a plus ib is equal to 3 minus 2i. क्वेश्चन वही है, ए और बी हमको फाइंड करने हैं. 1 अपॉन ए प्लस आई बी इज इक्वल टू 3 माइनस 2i, इट इज गिवन. हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस आई बी इज इक्वल टू 1 बाय 3 माइनस 2i. अब इसका कॉन्जुगेट लेके हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ताकि आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर दिखने लग जाए, ताकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी का यूज करके हम ए और बी फाइंड कर सकें. हम इसे इस तरीके से कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर का कॉम्प्लेक्स नंबर जो है 3 माइनस 2i, इसी का कॉन्जुगेट लेंगे और इस कॉन्जुगेट से यहां मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे. 3 माइनस 2i का कॉन्जुगेट रहेगा 3 प्लस 2i, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से इस फ्रैक्शन को डिवाइड भी करेंगे. 1 इंटू ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा 3 प्लस 2i. ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई जो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं. ए स्क्वायर माइनस 2i का स्क्वायर, दैट मीन्स आपका ये रहेगा 3 प्लस 2i डिवाइडेड बाय 9 प्लस 2 का भी स्क्वायर होगा और i का भी स्क्वायर होगा i स्क्वायर, और i का भी स्क्वायर रहेगा i स्क्वायर, ये सॉरी माइनस था आपका, ये रहेगा 3 प्लस 2i डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4, i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 सिंस i स्क्वायर इज माइनस 1, हमें ये पता है इमेजिनरी यूनिट नंबर का स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1. माइनस 1 इंटू ये माइनस 4, ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस 4 प्लस 4, 9 प्लस 4 ये हो जाएगा 13. दैट मीन्स आपका a प्लस आई बी आपका क्या बना है, a प्लस आई बी है 3 प्लस 2i डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4, दैट मीन्स 13. आपका ये 13 थ्री को भी डिवाइड कर रहे हैं, 3 डिवाइड बाय 13 प्लस ये इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, 2 डिवाइडेड बाय 13 आई. हम देख रहे हैं a प्लस आई बी इस कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है. ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट है, यहां भी रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है. और आपको बाय इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ए की वैल्यू रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, रियल पार्ट के कंपैरिजन से ए मिल जाएगा, इमेजिनरी पार्ट के कंपैरिजन से आपको बी मिल जाएगा. नाउ बाय इक्वालिटी, ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वी गेट रियल पार्ट ए रहेगा 3 डिवाइडेड बाय 13, वहां से आपको ए की वैल्यू मिली. इमेजिनरी पार्ट बी जो आपका वो इस इमेजिनरी पार्ट इक्वल के इक्वल है, दैट मीन्स बी की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 13 मिली. ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों आपको मिल गई, ए है 3 डिवाइडेड बाय 13 और बी है 12 डिवाइडेड बाय 13. तो बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं. उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी. A comma B, where A comma B belongs to set of a real number and I is equal to square root of minus 1. Please stop. State the values of A and B. A और B की value बताना है आपको. क्या question है आपका? इसमें आपका question number 1 है. 1 प्लस 2i और इसका मल्टीप्लाई है माइनस 2 प्लस i, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई है. सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib. a प्लस ib के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है. जो भी क्वेश्चन दिया गया है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई या एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है आपका या डिविजन, आपको इसको क्या करना है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में इसको लिखना है.
वेयर ए एंड बी बोथ आर रियल नंबर, ए और बी जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं दोनों के दोनों रियल नंबर होना चाहिए। आई आपका इसका रूट ऑफ -1 है यहां पर, स्टेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और जब इस फॉर्म में ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई आ जाएगा तो आपको ए और बी भी निकाल के देना है, यानी उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों निकाल के आपको देना है। 1 + 2i इसका मल्टीप्लाई है -2 + i से, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई। हम इसका मल्टीप्लाई बाइनोमियल का बाइनोमियल का जिस दो बाइनोमियल का मल्टीप्लाई जिस तरीके से करते हैं, यानी बाइनोमियल का बाइनोमियल से जिस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं उस तरीके से करेंगे। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × -2 - 2, 1 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, 1 × i i रहेगा, 2i से -2 मल्टीप्लाई होगा, 2i × -2 + × - रहेगा, 2 × 2 = 4 और ये i 4i, 2i से भी मल्टीप्लाई होगा, + × + ही रहेगा, 2i × i 2i² -2। ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, दोनों इमेजिनरी पार्ट्स का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा आराम से, +i -4i -3i रिमेनिंग रहेगा, i² की वैल्यू -1 - 1 (2) -2 सिंस i² इज -1। -2 और ये -2 क्या हो जाएगा, दोनों रियल पार्ट्स हैं, रियल नंबर्स हैं, दोनों रियल नंबर का आराम से एडिशन होगा, -2 और उसमें एडिशन होगा -2 का, ये रहेगा -4। ये इमेजिनरी नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर कोई और नहीं है, इसलिए इमेजिनरी नंबर का किसी में और इमेजिनरी को नंबर कोई और नहीं है, इसलिए उसका एडिशन किसी में नहीं होगा, वाई जी टीज रहेगा। ये रियल है, ये इमेजिनरी है, दोनों का एडिशन नहीं होगा। ये इस फॉर्म में आ चुका है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में है, हम इसे लिखें तो ये -4 आपका रियल पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल प्लस इमेजिनरी है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट -4 है और इमेजिनरी पार्ट -3 है। हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस आई बी इस फॉर्म में हो गया। ये कंपेरिजन करके हम ए निकाले, ए की वैल्यू है -4 और बी इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है -3। नाउ हियर ए इज इक्वल टू -4 एंड बी इज इक्वल टू -3, तो आपको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना था, एक्सप्रेस करना था, हमने ए प्लस आई बी के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस किया, ए और बी भी फाइंड करना था, हमने ए और बी भी फाइंड किया। सेकंड है इसका, तो बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं इसके अंदर, सेकंड क्वेश्चन है, वन प्लस आई इंटू 1 - i^-1। इसे भी आपको एक्सप्रेस करना है ए प्लस आई बी के फॉर्म में, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। 1 + i इसका मल्टीप्लाई 1 - i का -1 पावर से, हम इसे लिख सकते हैं ये -1 पावर है, हम इसको 1 अपॉन करके डिनोमिनेटर में ले जाके इसकी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं। हमने बचपन में पढ़ा था a की पावर अगर माइनस एन है तो हम उसे 1 / a^+n लिख सकते हैं, हम इसे इस तरीके से लिखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम 1 + i इसको डिनोमिनेटर में ले गया, डिनोमिनेटर में इसकी पावर जो है +1 हो जाएगी, या +1 पावर हो गई, तो लिखने की जरूरत नहीं हो +1 पावर। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड किस तरीके से करेंगे, आपके डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है और डिनोमिनेटर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 1 - i का कॉन्जुगेट 1 + i, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड करेंगे, 1 - i का कॉन्जुगेट 1 + i लेके उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड करेंगे। दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 1 + i का मल्टीप्लाई 1 + i से होगा, पहले 1 से दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 1 × 1 1 1 × i क्या रहेगा i, फिर i से दोनों मल्टीप्लाई होंगे, i × 1 i i × i i² ये a - b × a + b दोनों का मल्टीप्लाई a - b × a + b फॉर्मूले से a² - b² i + i 2i 1 + 2i i² की वैल्यू -1 i² की वैल्यू -1 - 1 × a - +1 हो जाएगा +1 और ये 1 1 + 1 सिंस i² इज इक्वल टू -1 +1 - 1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा 2i/2 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से 2 2 कैंसिल होकर क्या मिलेगा i दैट मीन्स आपका 1 + i 1 + i
इंटू वन माइनस आई का माइनस वन पावर, इसकी वैल्यू आई आई, टू टू कैंसल हो गया, आई बचा। हम इस आई को एक्सप्रेस करना है, ये सिंपल हो गया, इसको इस फॉर्म में लिखना था, ये प्लस आई वी के फॉर्म में। हम इसको, ये प्योरली इमेजिनरी है, इमेजिनरी नंबर भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसका रियल पार्ट जीरो होता है, तो यहां कुछ नहीं है रियल पार्ट, दैट मीन्स जीरो है, जीरो प्लस यहां इमेजिनरी पार्ट इसका वन है, वन इंटू आई है, इमेजिनरी नंबर आई मीन्स वन इंटू आई, इसको हम लिख सकते हैं वन इंटू आई, आई इंटू वन, दैट मीन्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर आई को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, जीरो प्लस आई इंटू वन, इस फॉर्म में लिखना था, ए प्लस आई बी के फॉर्म में हमने लिख दिया, और कंपेरिजन करके ए और बी भी निकालना है, ए की वैल्यू यहां कितनी है, देयरफॉर हियर ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू, कितनी है बी की वैल्यू है वन, इमेजिनरी पार्ट है बी, रियल पार्ट है ए, तो रियल पार्ट ए की वैल्यू जीरो, इमेजिनरी पार्ट बी की वैल्यू हो गई वन, तो ए और बी भी निकाल लेता हमने, हमने इसे निकाल दिया, तो ये कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है।